Can we join our hands together for the real life hero, Mr. Anand Kumar? Honorable Governor Sahab, हमारे बड़े भाई सोनम जी, रवि सतलानी जी और देश दुनिया को दिशा देने की ताकत रखने वाले आप लोग सभी बैठे भाई बहन, आज रवि जी ने कहा कि आप आइए इस कार्यक्रम में बोलिए, तो आप लोगों में से जस्ट एक सवाल पूछना चाहते हैं ताकि बोलने में मुझे आसानी होगी अपनी बातों को रखने में। इतने लोगों में से कौन कौन है जो सुपर 30 फिल्म देख चुके हैं? ये लगभग सब लोग देख चुके हैं, इसलिए कहानी तो आप जान ही गए हैं। तो 10-15 मिनट में कुछ और बातें जो संभव है हम बताने का प्रयास करते हैं। जो फिल्म में आप देखे थे लड़का जो बर्तन साफ करता है, और जहाँ मुझे लगता है कि सुपर 30 शुरू करनी चाहिए, वहाँ पर ये लड़का भी सेक राज है ओरिजिनल। और ये अभिषेक है जो कि इसकी माताजी 100 रुपया मात्र ट्यूशन पढ़ा करके उस जमाने में 20-25 साल पहले गांव में कमाती थी। पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई खेती नहीं थी, लेकिन अभिषेक पढ़ने में होशियार था। और याद रखिए कि हर माता पिता, बच्चा कितना भी गरीब घर का हो, निर्धन परिवार का हो, वही बच्चा सक्सेसफुल हुआ है जिसके माता पिता की चाहत हो कि बच्चा पढ़े। माँ एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद हमारे पास लाई 10th करने के बाद। बच्चा 2 साल पूरा मेहनत करता हमारे प्रोग्राम में, जैसा आप लोगों ने देखा, और वही अभिषेक फिर IIT खड़गपुर में चला जाता है। और आपको जान के खुशी होगी कि खड़गपुर में भी जाकर बहुत काफ़ी मेहनत करता है, और आज US में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, शादी विवाह भी कर रहा है। कहाँ से कहाँ जिंदगी गई। एक दूसरा लड़का जो आप फिल्म में देखे हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे, शशि। पिताजी हॉस्पिटल में एक छोटा सा कर्मचारी है, छोटे से काम करते हैं, लेकिन अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया। तो ये शशि पढ़ने में बहुत तेज था, अच्छा था, इसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इसके पास सुविधाएं नहीं थी, कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं था, लेकिन मेहनती था। हमारे पास 10th पास करने के बाद ये भी प्रोग्राम में आया, काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद इसका भी एडमिशन IIT खड़गपुर में हुआ। खड़गपुर में भी जाके यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन का तैयारी किया, और पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इसका रैंक आया शशि। और फिर उसके बाद आज जान के खुशी होगी, आज ये लंदन में गूगल कंपनी में हेड साइंटिस्ट है। बीच में आप शशि को देख रहे हैं, और एक ब्रिटिश महिला से शादी भी कर। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि एजुकेशन है, जैसे हमारे सोनम भाई बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। किस में किस तरह का अपॉर्चुनिटी है, 4 बार जो बच्चा 10th फेल है उसकी ज़रूरत कुछ और है, जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उसकी ज़रूरत कुछ और है। तो हमारे देश में काम करने के, अब एक अभिषेक, इसके प्रेम पालिस का नाम है, नाम अभी जल्दीबाजी में गलत लिखी थी, ये भी उस ग्रुप में था, ये भी NASA में साइंटिस्ट है। ये झोपड़पट्टी भी इसके पास नहीं था, प्लास्टिक वगैरह घेर के सड़क पर ये रहता था प्रेम पाल, उस हालात से उठ के यहाँ पर आया। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इस तरह की। अब तक 440 बच्चे IIT क्वालिफाई किए हैं, और उसके अलावे 70 बच्चे डिफरेंट NIT में हमारे इस प्रोग्राम से गए। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपने प्रोग्राम क्यों शुरू किया। देखिए, रेलवे ट्रैक है, फिल्म में आप देखे होंगे, उसी के बगल में मेरा घर था वहाँ पर, और इसी तरह के टूटे फूटे 1.5 कमरे के मकान में पूरा परिवार रहता था। इसी तरह से अच्छे पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए पिताजी बहुत मोटिवेट करते थे, और हर माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चे से एक दोस्ती का रिलेशन रखे। पिताजी काफ़ी दोस्ती का रिलेशन था, फिल्म में भी देखे आप। तो पिताजी मोटिवेट करते गए, कुछ पेपर लिखे बाहर, हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी, BHU पढ़ने जाते थे। BHU में भी कितनी तकलीफें होती थी, मेरा भाई वहाँ वायलिन बजाता था, वायलिन सीखता था, उसी के हॉस्टल में रहते थे।
किसी तरह से गए लुक छिप के पढ़ के कुछ पेपर लिखे बाहर के जर्नल्स में छपा, कैम्ब्रिज में एडमिशन का ऑफर आया, लेकिन पैसा नहीं था कि हवाई जहाज का भी किराया निकल सके, खर्चा निकल सके, तो बड़ी मुश्किल से पिताजी प्रयास ही कर रहे थे। और आप जितना भी दृश्य देखे वो बहुत कम है, जो आप पॉलिटिशियन वाला देखे एक नेता से मिलने गए थे वो बहुत छोटा है। उसके बाद क्या होता है ये बताते, जब नेताजी वैसे बोल बाल देते हैं तो हम और पिताजी दोनों सड़क की उस तरफ जाते हैं जहाँ एक चाय बिक रही होती है, तो चाय वाला बोलता है कि भाई साहब आप लोग इतना उदास क्यों है, नेताजी क्या बोले, आप नौकरी मांगने गए थे क्या? तो पिताजी बताए नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात थी। चाय वाला गर्व हो गया, किस नेता के पास चल गए जो पिछले चार महीना से चाय उधार पी पी के हमें पैसा नहीं देता, वो आपको क्या पैसा देगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी बहुत सारे जीवन में मिले। पिताजी का सडन डेथ हो गया, उनको बहुत लगा ऐसा कि भाई मैं पैसे का नहीं इंतजाम कर पाया। बाद में फिर हम लोगों ने पापड़ जो बेचने वाला था, आप देख रहे पापड़ इसी हालात में माँ बनाती थी, हम लोग बेचते थे। मेरा भाई सीढ़ियों के नीचे रह के मुश्किल से सब बच्चों की देख रेख करता था। जब सुपर 30 की शुरुआत हुई, घर में खाना बनता था, माता जी खाना बनाती थी, हर पर्व त्यौहार में हम लोग मिलजुल के रहते थे, इसी में खाना बनता था। एक घर का फिर डोनेशन देने, जब सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है, आपको सक्सेस मिलता है तो डोनेशन देने वाले बहुत लोग रहते हैं, और जब ज़रूरत रहती है रियल आदमी को तो पैसा कोई नहीं देता। तो बहुत लोग डोनेशन के लिए आए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कई बार साल में एक दो बार आ ही जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आए बोले बुलाए कि भाई डोनेशन ले लीजिए। लेकिन हमने किसी से कलाम साहब कभी डोनेशन की बात नहीं बोले, आशीर्वाद देते थे जब भी मिलते थे। तो बहुत लोगों ने डोनेशन की बात की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे, अभी नरेंद्र मोदी जी रहे माननीय प्रधानमंत्री, बहुत लोगों ने कहा पैसा लो। मुकेश अंबानी जी रहे, अभी आनंद महिंद्रा ने ट्वीट भी किया कि मैंने आनंद को पैसा देना चाहा, लेकिन आज तक दोस्तों हमने किसी से एक रुपया चंदा नहीं। आदमी है इस दुनिया में जिससे कभी कभी रजाई कंबल कुछ कुछ ले लेते हैं, उसमें भी दो तीन ही लिया है, वो हम रवि भाई हैं, रवि सतलानी जी, कभी कभी जयपुर से भेज देते हैं तो हम लोग ले लेते हैं। कहते कोई वैसा किसी से कोई चंदा नहीं, अपने ही किसी तरह से कठिनाई से ट्यूशन पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ाने से जो धनोपार्जन हुआ, पैसा मिला, उसी से 300 बच्चों की दाल रोटी और हमारी दाल रोटी परिवार की चलती है, किसी से पैसा नहीं लिया। लेकिन कोचिंग माफिया आप देखें पूरा जाल फैला हुआ है, जितना फिल्म में दिखाया गया वो छोटा सा पार्ट था कोचिंग माफिया का, वैसा कई अटैक हुआ और उससे भी खतरनाक। अभी पिछले जब फिल्म मेकिंग की बात हो रही थी तो माफिया पॉलिटिशियन कई मिलके दबाने का प्रयास किया, कहीं लीडर न बन जाए, कहीं इसका बहुत नाम न हो जाए, इसको कैसे दबा दिया जाए, बहुत प्रयास किया। अभी सोनम भाई थे, हम लोग गए हुए थे हरियाणा में एक जगह पर थे, उस दिन भी थ्रेट था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत चीज़ें ऐसी थी। तो हमारे भाई ने बोला कि भाई अगर आप दो बच्चा कोई पढ़ा के अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप कभी घबराई नहीं। वीडियो बनाया कि आनंद कुमार फ्रॉड है डाल दिया, हमारे भाई पर ट्रक से कुचलने का प्रयास किया, पैर 3 टुकड़े में टूट गया है, 3 महीने तक अस्पताल में जो परमा को देखे आप फिल्म में एडमिट था। तो बहुत सारी चीज़ें, निर्दोष बच्चे को जेल भेज दिया हमारा, बाद में केस पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि एकदम केस फर्जी बनाया गया था। कौन फर्जी केस बनाया, क्यों भेजा, आज तक पुलिस ने उसकी जांच की न बताती है। बहुत सारा हमारा एक नॉन टीचिंग स्टाफ जो फिल्म में नहीं दिखाया गया, पूरा पेट आप देखिए यहाँ से यहाँ चाकू से फाड़ दिया गया, 4 महीना बेचारा पटना मेडिकल कॉलेज में रहा, इतना दर्द के बावजूद भी हम लोग से जो भी बन पड़ा चलते रहे। लेकिन खुशियाँ भी आई, बहुत बार हमला जब तेज हुआ तो हम लोग रिक्वेस्ट किए, अब हमला बंद हुआ है क्योंकि अब कुछ दिन कई साल हो गए, तब मुझे 4 बॉडीगार्ड भी दिए हुए हैं बिहार सरकार, यहाँ तो अकेले आए हैं। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम ही है, बड़ा आदमी तो है नहीं, बॉडीगार्ड 4-4 चलता है, वाइफ कहती है चलिए भाई, वो भी IIT से पढ़ी हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कहेगी चलिए आज कुछ खाना खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, मुझे चारों पीछे पीछे चलने लगता है। हाँ भाई तुम हमारा जान छोड़ दो एक आध दो दिन भी। तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा है कि सर कोई मार देगा हमारी नौकरी चल जाएगी। एक दिन ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर तक हम लोग चले गए,
तो वो भी पीछे पीछे चला गया, तो खाए गोलगप्पा पानी पूरी वगैरह खाए, पूछे कितना रुपया हुआ भाई, बोला कि 40 रुपया हुआ, तो 40 रुपया निकाल के दिया। गोलगप्पा वाला नहीं लिया कि नहीं नहीं सर हम पैसा लेंगे आपसे, खुशी हुई कि भाई मास्टर को पहचानता है। बाद में थोड़ा डाउट हुआ, तब पूछे कि अच्छा ये बताइए पैसा तो आप रख लीजिए लेकिन ये बताइए कि हम हैं कौन। सर आपको हम नहीं पहचानते, बगल में थाना पर है उसी के इंस्पेक्टर वगैरह होइएगा, हमारी और बात है आपसे पैसा लेंगे। बहुत तरह की घटना घटते रहती है, बड़ा बड़ा क्रिमिनल धमकी देता है, हेलो बंद कर दो कोचिंग, मैं फलना फलना बोल रहा हूँ, जेल से बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि भाई कोई लड़का बच्चा बोलता है जिसका एडमिशन हमने नहीं लिया, वे काहे के लिए मुझे धमका रहे हो भाई। तुम जब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि मेरा बेटा नालायक हो गया, धमकी देता है आवाज़ बदल के, तो क्या सोचेंगे। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटते रहती है जो जीवन में तरह तरह के अनुभवों को सिखाती है। लेकिन एक बात बोलेंगे दोस्तों कि जितनी घटनाएं हमारे साथ घटी उससे मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत परिपक्व हो गया हूँ। अब कोई नई घटना घटती है कुछ भी हो ऐसा, तो हम अलर्ट भी रहते हैं, समझते भी हैं कि जीवन क्या है, इसको समझ। जीवन का जो अभी हम बोलने का निष्कर्ष है, हम ये बोलना चाहेंगे अभी आखिरी में, नकली सुपर 30 खोला, सुपर 100, पहले गया सुपर 30, नालंदा सुपर 30, सुपर 20, सुपर 100, पैसा कोई चंदा ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, नहीं रहा तो राजा बाजा सुपर 30 तक खोल दिया, बहुत नकल किया। तो ये सब चलते रहा फिर, लेकिन खुशियाँ भी आई, ऐसी बात नहीं है कि खुशी नहीं आई। पहली बार हम लोग सोचे कि रिजल्ट अच्छा हो, तो सोचिए कभी 18-20 पिछले 18 सालों में 4 साल ऐसा हुआ कि 30 out of 30 बच्चे भी IIT में, बाकी बच्चे भी जो नहीं 2-4-5 हर साल करते कहीं ना कहीं चले जाते, बहुत सारा सम्मान अवार्ड ये सब मिलते रहता है, मिलते रहा। जेम्स कैमरॉन सब तब सब सोचा पॉलिटिशियन के भाई ये तो कहीं भी बिहार उहार में घूमता है तो भीड़ लग जाती है, ये सब 5-7 साल पहले की बात बता रहे हैं, लग जाती है बहुत अच्छा है भाई, कौन है इसको टिकट दे दो पॉलिटिक्स में उतार दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ गवर्नर साहब बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता फोन करते थे, भाई चुनाव है, माहौल है, लहर है, तुम टिकट लो, लड़ जाओ, चुनाव पार करा लो भैया। हम के भाई साहब अभी सब लाइन में हम नहीं आना चाहते, तो बोला कि नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे, सांसद बन जाइएगा बहुत फायदा, हो सके कि सरकार बन जाए तो मिनिस्टर भी बन जाइएगा, अब मिनिस्टर बन जाइए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकिएगा देश के लिए। तब हमने सोचा कि अच्छा ठीक है भाई, बहुत सोच समझ के फिर 2-3 दिन बाद हम हाथ जोड़ के पीछा करें, अब उतना बड़ा लीडर फोन न उठाने में भी डर लगे, उठाने पर बोले तुम लड़ो लो चुनाव, बहुत मुश्किल से जान छुड़ाया, चुनाव लड़ता जीत भी जाता, सांसद भी बन जाता। तब रवि भाई आप लोगों से मिलने का मौका नहीं देते, सांसद को यहाँ थोड़ी है बुलाते हैं, इसलिए मास्टरे बन बन के मिलते रहे ज्यादा अच्छा है। सक्सेस मंत्र था आप देखे होंगे उसमें, भोलू रुकी की कहानी, 2 कैरेक्टर बना के पढ़ाते, अब तो प्रोजेक्टर का जमाना गया और बढ़िया से बताते, उस समय तो चौक डस्टर से ही बनाते थे। ऐसा कैरेक्टर बनाया जो कि अमीर घर का बच्चा है, इसको सब फैसिलिटी मिलता है, इंग्लिश बोलता है, सुटेड बुटेड है, लेकिन एक ऐसा है लड़का भोलू जो बेचारा गरीब है, ये बहुत पढ़ता है लेकिन ये सोचता है, सोचने का जादू है, जो जितना डेप्थ में सोच रहा है, दिन भर क्या सोच रहा है उसी का रिजल्ट आता है। इसके पास सुविधाएं, बेचारा टूटी साइकिल से इंग्लिश चाइनीज सब फूड खाता है, बेचारा गांव देहात का खाता है, हेलो बोलता है, प्रणाम करता है, लेकिन जब एक प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले बना के इसको दिखाता है रिक्की, और इसका मजाक उड़ाता है कि भाई तुम कैसा बना रहे हो, अभी तक सवाल नहीं बनाए। तब भोलू कहता कि देखो जिस सवाल को बनाए उसी का दूसरा तरीका बना के दिखाते हैं, उसी सवाल को हम तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से, पांचवें तरीके से बनाते, उसको जनरलाइज करते, बता तू हीरो है या मैं, पढ़ाई पैसे से होती है या मेहनत या डेडिकेशन से होती है। ये तो दोस्तों बस इतना ही, और फिल्म देखिए आपको अच्छा लगा जो दही लेके देखिए, मोटिवेट करती है फिल्म। हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजस्थान गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने टैक्स फ्री किया, हमारे पंजाब के गवर्नर साहब हैं उनको भी विनती करेंगे कि अभी कुछ दिन और बची है फिल्म टैक्स फ्री कर दें, 9 राज्यों में टैक्स फ्री हो गई, लोग बता रहे हैं कि पहली फिल्म है जो 9 राज्यों में एक साथ टैक्स फ्री कर दें।
और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहे। चंदा न लेना है कभी, सेल्फ सस्टेन करना, प्रोग्राम को बड़ा बनाना है। एक्सपीरियंस यही है कि आप धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। समस्याएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, अगर आप धैर्य बनाए हुए हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ चलते रहते हैं, तो डरने की बात नहीं है। जितनी रात गहरी हो, अंधेरी हो, सोचिए सवेरा के उतने ही आप नज़दीक जा रहे हैं। इस भाव से लगे रहिए, आने वाला कल हमारा होगा, भारत का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।